चुके हैं सुबह के 4 और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सबको ठंड लग रही है, अभी खड़े हैं, थोड़ा आश्रम आश्रम ढूंढेंगे, उसके बाद सब फ्रेश होंगे, सोएंगे कि पता नहीं क्या करेंगे। मॉर्निंग गाइस, बज गए सुबह के 5:30 और हम खड़े हैं हर की पौड़ी पे हरिद्वार। बहुत ही पवित्र प्लेस है, माना जाता है कि यहाँ जो हर की पौड़ी है वहाँ अमरुद के थोड़े सीधे यहाँ भी पड़े थे, तो बहुत ही पवित्र है। सुबह सुबह 5:30 बजे 20 डिग्री तापमान है और ये भाई जो है हमारे वो डुबकी लगाने को रेडी है। पता नहीं क्यों डुबकी लगाने को रेडी है। अरे पाप सब धुल जाए। हाँ, पर सुबह सुबह फट जाए उसकी क्या। अरे वो तो फटे वैसे भी फटने वाले। देख रहे हो आप कितनी स्पीड में गंगा जी बह रहे हैं। यहाँ स्नान घाट भी है, सामने चैन है, आप देख रहे हो सब लोग स्नान कर रहे हैं, हम भी स्नान करेंगे अभी। और सामने है अस्थि प्रवाह घाट। खड़े हैं गंगा घाट पे हर की पौड़ी हरिद्वार। अभी आरती का मस्त लाभ ले लिया सुबह सुबह, डायरेक्ट बहुत ही सुबह की ट्रेन थी, सुबह आ गए थे जल्दी जल्दी और सब अभी नहाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम गंगा स्नान करेंगे, पवित्र स्नान। मैं तो पहली बार पवित्र स्नान करने आया हूँ। वाह 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 वाह, क्या फीलिंग आ रही है, क्या ठंडा ठंडा पवन है और ठंडे ठंडे हवा में अभी मस्त स्नान करेंगे। नारायण
ला डुबकी मारो बढ़िया था गुरु महादेव बोलो गंगा मैया की अपना दान या सहयोग देना चाहते हैं वह श्री गंगा सभा सर गंगा स्नान कर लिया है पवित्र हो गए हैं एकदम गंगा जल भी ले लिया है मस्त मम्मी बोल रही थी लोटी में लाना पर अभी तो ये देखो 10 लोटी के बराबर इतना बड़ा जो बॉटल है वो 30 रुपए में सिर्फ यहाँ मिलता है तो गंगा जल ले लिया है और पवित्र हो गए हाँ हाँ बहुत ही हमारे धो चुके हैं ठंडी है बहुत लेकिन मजा आया हाँ एकदम मजा आ गया पाप भी दोस्तों ने एंजॉय किया पाप पाप दुख और आगे भी हम एंजॉय करने वाले हैं आज यहाँ फैमिली के साथ एंजॉय हाँ हर की पौड़ी पे हर हर महादेव हर महादेव गाइस हर की पौड़ी के ब्रिज पे अभी खड़े हैं हम आप देख सकते हो नजारा पीछे हमारे सब फ्रेंड्स दादा क्या बोले भगवान की जय मोदी जी को भगवान मोदी प्रभु का जय जय रात का तेली अरे रुको जरा सबर करो और देवी शक्ति माता देवी शक्ति उसकी बीवी ने ये नहीं कराया न मोदी से न किसी से अरे जय श्री राम जय श्री राम मोदी भगवान की जय राम तो गाइस आपको ऊपर दिख रहा है मनसा देवी का मंदिर है हाँ वो 9 सिस्टर्स में से एक सिस्टर हमारे ब्राह्मण को ज्यादा पता है तो हाँ वो 9 सिस्टर्स में से एक सिस्टर हाँ तो अभी वहाँ जाएंगे हम यहाँ मस्त गंगा स्नान कर लिया अभी तो हिमाचल में 9 सिस्टर जम्मू कश्मीर मिला के 9 सिस्टर्स जो है और ये जो मनसा देवी जो है वो नाग लोगों की माता है नाग लोगों की माता है और अभी संसार में नाग लोग नाग है नाग उनकी माता है मनसा देवी तो हम वहाँ पे जा रहे हैं जय माता कैसा लग रहा है टेस्ट देसी भारतीय और गंगा मैया की कृपा मजा आ गया नोटेल में भी नहीं मिला ऐसा टेस्ट है नोटेल में कहीं नहीं मिलेगा हाँ टेस्ट कैसा लगा ऑल गुड थोड़ा तीखा है और नीले सर को ठंडी में जरूरी बहुत बढ़िया एकदम गाइस हर की पौड़ी से अभी निकल रहे हैं रिक्शा में बैठे हैं इलेक्ट्रिक रिक्शा है तो और बस अब ये हर की पौड़ी अपना गंगा मैया के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं पड़ाव की ओर मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करने जय माता दी जय माता दी Few moments later. अभी आधे घंटे का रेस्ट कर लिया है रूम पे और मनसा देवी अभी जा रहे हैं सब आ गए हैं मस्त ओम नमः शिवाय महाकाल का जप कर लिया है
सब ब्राह्मण ने, तो अभी जाएंगे मच्छा देवी, तो चलते हैं। खटोला, हम उड़न खटोले से जाने वाले, इससे पहले जो है रास्ता वो चढ़ के जाने का है, तो हमने अभी चूज़ किया है उड़न खटोला। हमारे पास टाइम कम है तो हम उड़न खटोला में जाएंगे, जिसका कॉस्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये उड़न खटोला के टिकट प्राइस है, आप देख सकते हो। आपको बता दूं, एक उड़न खटोले में 4 आदमी बैठ सकते हैं मैक्सिमम। गाइस आप देख सकते हो कितनी उंडी खाई है नीचे। इस साइड देखो आप, यार ये जहां से हम आए वहां। सामने देख सकते हो माता जी का मंदिर, वहाँ ही हम जाने वाले हैं। और यहाँ से कुछ व्यू अलग ही आता है, एकदम मस्त। तो उड़न खटोले से उतर चुके हैं, सिर्फ 3 से 4 मिनट लगती है ऊपर आने में उड़न खटोले में टाइम। अभी हम जा रहे हैं देवी के मंदिर पे ऊपर। अभी हम अंदर जा रहे हैं गाइस। गाइस ने भाई वीडियो निकालना प्रोहिबिशन है, तो हम दर्शन करने के बाद मिलते हैं। दुकानें भी है देवी के मंदिर से नीचे उतरते हुए ही दुकान है, दर्शन हमने कर लिए है अभी। अन्नपूर्णा माता जी के दर्शन किए, भद्रकाली माता जी के दर्शन किए, उसके बाद काल भैरव दादा के भी दर्शन किए और कष्टभंजन हनुमान देव के भी दर्शन किए यहाँ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापिस उड़न खटोले में, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूँ। यहाँ जो ऊपर है हनुमान जी की माता अंजनी देवी का मंदिर है, तो चलो ऊपर चलते हैं। तो गाइस अभी सबके आने का इंतज़ार हो रहा है, सामने आप देख रहे हो उड़न खटोला। तो माँ चंडी देवी के दर्शन हमने कर लिए हैं, उस साइड अभी हम सामने जाएंगे तो हनुमान जी की माता जो है अंजनी देवी, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। पहली बार मैं कर रहा हूँ। पुत्र हनुमान जी दादा की अंजनी देवी की जय। ये अंजनी देवी माता के मंदिर से व्यू है, आपको देख सकते हो आप, सामने जो ब्रिज है वहां से ही हम आए थे पूरा। सुबह सुबह निकालेंगे तो बहुत ही अच्छा वीडियो आएगा। चलो मैंने आपको माता जी के उस साइड का व्यू दिखाया, ये अपोजिट साइड का व्यू है, पूरी गंगा देवी बहते बहते जा रही है। तो हमने माता जी के दर्शन कर लिए हैं, पर आपको हम दर्शन ना करा सके, इसके लिए आपको सॉरी, क्योंकि वहाँ प्रोहिबिशन है कैमरा ले जाना, मोबाइल ले जाना, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ओके, ये एकलौता मेरे ख्याल से अंजनी माता जी का मंदिर है जो हमने दर्शन किए हैं, मैंने कहीं पे नाम सुना नहीं है उनका मंदिर हो, ऐसा हो सकता है कहीं और भी हो, लेकिन
हमारी नॉलेज के मुताबिक आई थिंक ये अंजनी माता जी का इकलौता मंदिर लग रहा है मुझे। जय माता। फिर से उड़न खटोले में बैठ गए हैं तो अभी नीचे की ओर बढ़ते हैं आगे। तो माता के मंदिर के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं मनसा देवी माता जी के दर्शन करने। जय माता। कट फ्रॉम सत्यो कितना औसम नजारा है। तो इस औसम नजारे में एक औसम सा गाना हो जाए हमारे प्रियांग भाई। मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है तू, ही मेरी पहली ख्वाहिश तू ही आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है तू, ही मेरी पहली ख्वाहिश तू, ही आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है। Oh my God! जमीन रुक जाए, आसमां रुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं तो चलो आगे चलते हैं। A few minutes later. तो ये है चार धाम मंदिर। अगर आप चार धाम नहीं जा सकते तो यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर जहाँ राम नाम का पत्थर तैरता है। ये है रुद्राक्ष का पेड़ और आपको पता ही होगा रुद्राक्ष जो है 12 से 13 साल में एक ही बार आता है। और ये है राम नाम का जो सेतु पत्थर है आपको दिखाई दे रहा है वही है। ईश्वर महादेव का मंदिर यानी कि पार्वती जी के पिता दक्ष प्रजापति उनका मंदिर है। तो उनकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, पहले दर्शन कर लेते हैं उनके। नदी है दशेश्वर महादेव जी के नजदीक से ही बहती है गंगा। और यहाँ प्राचीन मंदिर है, श्री गंगा जी का प्राचीन मंदिर है सामने। de
देवी जी के दर्शन करने के लिए। पीछे आपको दिख रहा है मंदिर ऊपर की तरफ, उससे पहले 2 किलोमीटर चलना है। तो अभी कुल्फी खा लेते हैं, थोड़ा एनर्जी भी चाहिए, तो पानी वानी पी लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। काफ़ी ही संघर्ष करने के बाद हम बैठ गए उड़न खटोले में। 1.5 घंटा हो गया, 21 में नंबर चल रहा था, उसके बाद 41 नंबर आ गया हमारा 1.5 घंटे के बाद। तो मनसा देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। मनसा यानी कि मन की जो भी इच्छा है वो पूरी करने वाली देवी। आपने देखा ही होगा कितने सारे लोग वेटिंग में थे, कई लोगों की कितनी क्या क्या इच्छा होगी वो आप समझ सकते हो। तो मन की इच्छा सब पूरी करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये देवी की डिमांड है। तो गाइस चलो दर्शन करते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कर लिए हैं और आपको भी करवा दिए हैं, मेरे व्यूअर्स को, आपको सबको मैंने करवा दिए हैं। तो आपकी सबकी मन की इच्छा पूरी करें मनसा देवी, यही मेरी शुभकामना है। और महादेव का हर हाल में आपके साथ साथ रहे, महादेव का यही इच्छा है। आप देख रहे हो शिव मूर्ति गली, गुजराती भवन है और ये गुजराती धर्मशाला बहुत फेमस है। इधर दशाराम रोड उत्तराखंड में है, आप देख सकते हो। हम तो गुजराती है इसीलिए दिखा रहे हैं। हम हैं बड़ौदा से, यहाँ स्वामीनारायण कैटर्स भी है और हरिओम भोजनालय, सूरत वाला गुजराती भोजनालय भी है। देखो भैया, तो गुजराती खाना कैसे बना लेते हो? भाई हमारा खाना बनाने का तो गुजराती खाना, उत्तराखंड में रह के भी सूरत के ही है। आप सूरत के हो? कितने साल से रहते हो? 35। अरे वाह जोरदार, इसलिए और बहुत अच्छा लगा गुजरात। और कितने की डिश, ये कितने की डिश है? 100 रुपीज़ गुजराती थाली, 100 रुपीज़ अनलिमिटेड। अरे वाह, आपने देखा जैसे कि 100 रुपीज़ की डिश, उसमें भी हमारे गुजरात में 130 मिनिमम से चालू होती है, उसमें एक ही पापड़ देते हैं। और यहाँ देखो भैया अनलिमिटेड पापड़ देते हैं और राइस भी देते हैं, वो भी बासमती राइस। आप सिर्फ सोचो 100 रुपीज़ में ओनली। तो जब भी आओ तो यहाँ आना और खाना, आपको मैंने एड्रेस दे दिया है पहले से ही, तो यहाँ आओ तो ज़रूर खाना, स्पेशली फॉर गुजराती भाई लोग। ओके, हमको लगा ये भाई हिंदी है पर गुजराती बोल रहे हैं, हमने खबर नहीं थी कि तुम गुजराती बोलो छो। शू नाम से तमारू? सोनू भाई है ना तमारू? अरे तमने मड़ी ने बहुत खुशी थी, तो मड़ी शू कोई दिवस गुजरात में आओ वडोदरा में कार्ड आप ही रखो। थैंक यू गाइस, कितना सुपर खाना था, क्या प्यार से भाई ने खिलाया। उनसे बात की तो तब पता चला कि वो तो पहले से गुजराती है, यहाँ पहले से ही बस गए हैं, तो गुजराती होटल खोल के रखी है। और पूरी गली ही गुजराती है, सौराष्ट्र के लोग ज़्यादा रहते हैं और सूरत के लोग।
तो गाइस अभी होटल पे आ गए हैं, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। A few hours later. तो गाइस अभी हम ट्रेन में बैठे हैं। ये हमारा मित्र है। आँख लग गई थी तो रूम में सो गए थे, उसके बाद जल्दी जल्दी पता चला कि 5:30 की ट्रेन है, तो जल्दी जल्दी उठे और भागे दौड़े चले आए, तो टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। पर अभी जा रहे हैं हम सीधा दिल्ली और दिल्ली टू बड़ौदा, ऐसा सीधे में ऐसा कल सुबह 11 बजे पहुँचेंगे। उससे पहले जो जानी भाई से हमारी जो कहानी सुननी है महादेव के बारे में, तो सुन लेते हैं। हर हर महादेव। आज हम जो दर्शन करने गए थे दक्षेश्वर महादेव के, तो उनकी एक शॉर्ट स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दक्षेश्वर महादेव की स्टोरी ये है कि भगवान शिव, उनका विवाह सती माता से हुआ था जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, और जो विवाह जो हुआ था वो दक्ष प्रजापति की इच्छा के विरुद्ध हुआ था। तो ये इच्छा के विरुद्ध जो विवाह किया भगवान महादेव ने, तो उनका बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक हवन का आयोजन किया, और हवन का आयोजन किया उसमें भगवान शिव को आमंत्रित किया नहीं और उनसे बदला लेना चाहा। ये बात पता चली सती माता को तो उनको बहुत बुरा लगा, तो वो उनके पिता दक्ष प्रजापति के पास चली गई और वो वहाँ पे हवन का आयोजन हो रहा था, तो भगवान महादेव का अपमान देख के उनसे सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने जो यज्ञ कुंड था उसमें अपने आप को जलाकर उसने भस्म कर दिया। तो ये बात पता चली शिव के गणों को, तो शिव के गण वीरभद्र आदि वहाँ पे आए और दक्ष प्रजापति का जो हवन था उनको विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का सर काट दिया। तो उसके बाद पता चला भगवान महादेव को कि ये सब हुआ है, तो भगवान महादेव वहाँ पे आए और सती का जला हुआ शरीर देखा तो वो बहुत दुखी हो गए। सती का जला हुआ शरीर लेके वो पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड में घूमते रहे, पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, बहुत दिन बहुत साल हो गए लेकिन उन्होंने घूमना बंद नहीं किया। तो ये बात से चिंता तो रोके भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र लेके, सुदर्शन चक्र जला के माता सती के 52 टुकड़े 52 पीसेस जो हम 52 शक्तिपीठ बोलते हैं उनको 52 टुकड़े कर दिए, जो हम भारत में उनको 52 शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं और 52 अलग अलग जगहों पे वो आदि माता पूजनीय है। तो ये स्टोरी थी दक्षेश्वर महादेव की। उसके बाद जो दक्ष प्रजापति का जो सर काट दिया था वीरभद्र ने, उसके ऊपर दया करके भगवान महादेव ने उसके ऊपर बकरे का सिर रख दिया और उसको जीवन दान दिया। इसीलिए भगवान वहाँ पे और दक्ष ने वहाँ पे फिर भगवान की पूजा की, इसलिए भगवान प्रसन्न हुए और भगवान वहाँ पे एक लिंग के रूप में स्थापित हुए, वो भगवान दक्षेश्वर महादेव के रूप में स्थापित हुए। अभी हम दक्षेश्वर महादेव जो है दक्ष प्लस ईश्वर, तो दक्ष को जो भगवान महादेव ने जीवन दान दिया इसलिए दक्ष के वो भगवान ईश्वर हुए, उस नाम से दक्षेश्वर महादेव के नाम से वहाँ पे भगवान प्रसिद्ध हुए। तो बोलो दक्षेश्वर महादेव की जय। अरे वाह 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 वाह, जानी भाई का बहुत ही धन्यवाद कि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की, मुझे ये पता नहीं था, थोड़ी थोड़ी बहुत कुछ पता थी, वो 52 पीसेस जो हुए थे उसके बारे में पता था, पर ये पूरी स्टोरी पता नहीं थी। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं बड़ौदा, तो सीधा अभी बड़ौदा मिलेंगे, अभी सो जाएंगे, बहुत ही थक गए, सबके चेहरे पर आप देख रहे हो थकान है, आज सुबह से ही थकान है, तो मिलते हैं सीधा बड़ौदा।